का जो बफर जोन का इलाका है यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं उससे कई लोगों को चोट भी आई है, साथ ही कई लोगों को यहाँ पर दिक्कतें भी हुई हैं। आप देखिए कि पूरा हुजूम किस तरीके से वहां से आगे की तरफ इस वक्त बढ़ रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। कई लोगों को चोट आई है उनको एम्बुलेंस के जरिए यहां से उनको आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। स्थिति काफी इस वक्त खराब है। बताया जा रहा है कि 30 से 35 जो कुकी लोग हैं उनको आज दफनाने का प्रयास किया जा रहा था। इस बात को लेकर के मैतेई समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के चलते काफी लोगों को यहाँ पर चोटें भी आई हैं। आप देखिए कि भारी संख्या में लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस कर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं और उनको तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए कि कई लोगों को इस वक्त चोट आई है और एम्बुलेंस के जरिए उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। स्थिति साफ है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार को तमाम चीजों को लेकर के देखना होगा, क्योंकि 90 दिनों का जो समय हो गया है, पिछले आपने देखा कि 3 और 4 मई को जो घटना हुई थी उसके बाद से अब ये जो घटना हुई है उसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। आप देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है यहाँ से लोगों को हटाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को चोट आई है उन लोगों को अब एम्बुलेंस के जरिए इम्फाल ले जाया जा रहा है और इनको यहाँ पर काफी दिक्कतें हुई हैं। लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि जो शांति का माहौल है उसको बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर अभी भी जिस तरीके से मैतेई समुदाय इस बात को लेकर के विरोध कर रहा था कि इस पूरे इलाके में कोई भी व्यक्ति यानी जो कुकी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर नहीं मास बरियल किया जाएगा और इसके लिए इनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ सारे लोग पहुंचे हुए थे बिष्णुपुर और जो चूरा चांदपुर का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के इलाके में पुलिस प्रशासन ने इनको यहाँ से तितर बितर करने की कोशिश की। यहाँ से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिसके चलते आपने देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। इतनी गोलीबारी यहाँ पर एक ऐसा मंजर रूह कपा देगी। इतनी गोलीबारी, इतनी भीषण गोलीबारी। आपको फिर एक बार इस इलाके में लिए चलते हैं जहाँ जहाँ हमने हम छुपे हुए हैं। जैसे गोलीबारी शुरू हुई और संजय को कहूंगा इस साइड से आगे निकलने की कोशिश करिए, ये इलाका से दिखा दे रही यहाँ पर कितना मुश्किल था। देखिए सब बुलेट की ये निशान बताते कैसे मणिपुर के आखिर हालात कैसे हैं। बहुत मुश्किल हुई है पुलिस और सुरक्षा बलों को हालात पर नियंत्रण करने के लिए कि लोगों को यहां से पीछे भेजा जाए। विश्वपुर से संजय कुमार के साथ में आज आशुतोष मिश्रा आज तक। तस्वीरें बहुत कुछ चिंता पैदा करती हैं क्योंकि एक्सक्लूसिव आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए अब दोबारा रुख करते हैं आशुतोष मिश्रा का, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, गोलियों की हर तरफ से आवाज, अभी क्या सिचुएशन है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए वहां पर स्थिति अभी तनावपूर्ण है। दरअसल ये सब शुरू हुआ था जब आज कुकी समाज ने कहा कि वो 35 लोगों का को सामूहिक दफन करेंगे और ये विष्णुपुर इलाके में ही पड़ता तोइबंग इलाका। मेथी समाज इसका विरोध कर रहा था कि सरकारी जमीन पर इस तरह से दाह संस्कार ना हो, उनको दफन न किया जाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि सरकारी जमीन है। दूसरा, जो लोग मारे गए हैं वो अवैध नागरिक हैं जो म्यांमार से आए थे। इन सब के चलते तमाम जो यहाँ की मेथी समाज की महिलाएं थी वो उस बफर जोन को पार करना चाहती थी जो विष्णुपुर और चूरा चांदपुर जिले को जोड़ता है। यहाँ पर केंद्रीय जो बल थे वो पहले से ही तैनात थे और पूरी कोशिश की गई कि महिलाओं को बफर जोन न पार करने दिया जाए ताकि हिंसा ज्यादा न फैले। जब ये महिलाएं आगे को गई तो सबसे पहले इन्होंने वहां से बैरिकेड हटाए, इनको केंद्रीय पुलिस बलों ने वहां से हटाने की कोशिश की। असम राइफल्स थी वहां पर, रैपिड एक्शन फोर्स थी, सबसे पहले इनको वहां से हटाया गया। लेकिन जब महिलाओं की संख्या बढ़ी तो उन्होंने सबसे पहले बैरिकेड हटाए। इस बीच पीछे से समाज के कई सारे लड़के आ गए, महिलाएं, उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स और असम राइफल्स पर जो है पहले लकड़ियां फेंकी, फिर पथराव शुरू हुआ। जब यहां से पत्थरबाजी की गई तो पहले केंद्रीय बलों की ओर से चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। चिली स्प्रे से जब पीछे फेंका गया तो अचानक फिर उसके बाद झड़प फिर शुरू हुई और तब जब यहां से पत्थरबाजी हुई उधर से भी जवाब हुआ। लेकिन जब पत्थरबाजी ऊपर होने लगी तो तुरंत डिस्पर्स करने के लिए पहले केंद्रीय जो जवान थे उधर से हवाई फायरिंग की गई। भारी भरकम फायरिंग, टीयर गैस छोड़े गए, आंसू गैस के गोले ताकि भीड़ को दूर भेजा जा सके, क्योंकि अगर वो बफर जोन के आसपास वहां हिंसा बढ़ जाती तो स्थिति खराब हो सकती थी, क्योंकि दूसरी तरफ कुकी समाज के इलाके थे तो वो नहीं चाहते कि हिंसा बढ़े। तो उधर हवा फायरिंग की गई, साथ ही में जिस तरफ हमें देख पा रहे हैं तस्वीरों में वहां मणिपुर पुलिस के लोग थे उन्होंने भी जो है हवा फायरिंग की और ये
कोशिश की गई कि सबसे पहले भीड़ को तितर बितर किया जाए। हालांकि इसी भगदड़ में कई सारी महिलाओं को चोट लगी। आनंद फानंद में एम्बुलेंस और रेड क्रॉस एम्बुलेंस के जरिए इन सबको अस्पताल में भेजा गया, लेकिन लगभग पांच से सात मिनट के अंदर स्थिति पर तुरंत काबू पाया गया और कोशिश ये की गई कि हिंसा जो है ज्यादा न फैले। लेकिन दूसरी तस्वीर दरअसल एक ये भी है कि जो स्थानीय नागरिक हैं, इनमें से जो विलेज डिफेंस फोर्स है मैथी इलाकों के, हमने उनके हाथों में हथियार देखे। ये तमाम सारे लोग विष्णुपुर सीमा की ओर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में आप वो तस्वीरें देख पाएंगे कि वो उस तरफ जा रहे हैं। ये एक स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है क्योंकि ये सब लगभग अंदाजा था। हालांकि इस बीच इम्फाल के सभी इलाकों में जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन डील दी गई थी उसे हटा लिया गया था। तो आप ये समझिए कि तनाव तो है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि कानूनी व्यवस्था बहाल रहे, स्थिति न बिगड़ने पाए। लेकिन अभी दरअसल मुश्किल इस बात की होगी कि बफर जोन पर जितनी तैनाती है उसके अलावा जो घाटी का इलाका है यहां से बड़ी संख्या में जो स्थानीय नागरिक है और वो लोग खासकर जो अलग अलग ग्रामीण जो विलेज डिफेंस फोर्स हैं आर्म्ड हैं, ये सब लोग उसी ओर जा रहे हैं। और इस बीच में जो कन्फ्रंटेशन हुआ है आर्म फोर्सेस और स्थानीय लोगों के बीच में उनकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति बहाल रहे, कानूनी व्यवस्था खराब न हो।